व्यापारी सबसे ज्यादा खुश था कि भाजपा को वोट दे करके कि भाजपा सरकार आएगी तो व्यापार देश का बढ़ेगा, लेकिन हालात आज उल्टे ही हो गए। बच्चों आप भी समझना और सुने बस, कि पुरखों की जमा पूंजी औलादें खाने लगे तो 1,76,000 करोड़ अभी लठ से लिया है आपने आरबीआई से। हालांकि हम जानते हैं कि पैसा कैसे लिया जाता है, कैसे इकट्ठा होता है, 3-3 गवर्नर भगाने पड़े तब जाके मिला है। आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक को इस नतीजे पर पहुंचने से पहले इसके विरोध के कई दौर से गुजरना पड़ा। गवर्नर उर्जित पटेल ने पैसा देने से मना कर दिया, समय से पहले पद छोड़कर चले गए। इस सोच का सबसे मुखर विरोध डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने किया, बाद में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर 2018 में विरल आचार्य ने कहा था कि अर्जेंटीना की सरकार भी रिजर्व बैंक के खजाने को हथियाना चाहती थी। वहां के गवर्नर ने विरोध में इस्तीफा दे दिया और तबाही आ गई। विरल आचार्य के बयान के बाद पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सीएनबीसी चैनल की एंकर लता वेंकटेश से कहा था कि सरकार को रिजर्व बैंक पर हाथ डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए, यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। पुरखों की जमा पूंजी औलादें खाने लगे तो आ गई गरीबी घर में, खाली खजाना है, यह सिद्धांत है सर। पुरखों की कमाई, पुरखों की जमा पूंजी औलादें खाने लगे तो आ गई गरीबी घर में, खाली खजाना है। और देखते थे जो शब्द बाग सूख कर ठूट हुए, देखे थे जो शब्द बाग आपने खूब दिखाए थे सूख कर ठूट हुए, घी तो मिला नहीं है कुपाई बजाना है। ये मुहावरा आपको क्या समझा, आपको तो पता है। काम धंधे धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं सर, काम धंधे धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं, फैक्ट्री भी बंद है और बंद कारखाना है, फैक्ट्री भी बंद है और बंद कारखाना है, और व्यापारी पेंडुलम के जैसे झूलने लगा है। व्यापारी, अब ताली बजाना बच्चों, व्यापारी पेंडुलम के जैसे झूलने लगा है, मोदी भक्ति करनी है और व्यापार भी चलाना है। Thank you.